दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में बातचीत करेंगे दोस्तों वीटर प्रोजेक्ट के बारे में। मैं अभी दुबई में हूँ, वीटर कंपनी के हेड ऑफिस में हूँ। ये आप देख रहे हैं पीछे वीटर प्रोजेक्ट का ये ऑफिस दुबई का, और यहाँ से हम बातचीत करने वाले हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम में क्या चल रहा है, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद कब वो ख़त्म होगा, और सबसे बड़ा सवाल आपका और हमारा यही है कि हमें डिविडेंड कब मिलेगा। क्योंकि हमें डिविडेंड मिलेगा जब हमारा पहला लाइसेंस सेल होगा, और पहला लाइसेंस सेल होने के बाद जो कंपनी को प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट सभी सेल होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों वियतनाम में 3 जगह हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा, उसके लिए कंपनी की टीम अभी वियतनाम में है। डेनिस सर भी अभी वियतनाम में है, एक बहुत अर्जेंट मीटिंग थी तो उनको निकलना पड़ा। डेनिस सर से हमारी बातचीत हुई है, डेनिस सर से मैंने जानकारी ली है, तो डेनिस सर ने बताया कि बहुत ही जल्दी वहाँ पर काम स्टार्ट हो सकता है। अब वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ी बिल्डिंग, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, अगर कुछ भी वहाँ पर स्टार्ट होता है, तो वियतनाम कंट्री का रूल है कि वियतनाम कंट्री के प्रेजिडेंट से उनको परमिशन लेनी होती है, प्रेजिडेंट के साइन चाहिए, तो वहाँ पर बातचीत चल रही है। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को जब बनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि कोई भी हम बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर जगह देखी जाती है, और डेनिस सर ने बताया कि हम एयर का प्रेशर भी देख रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें मिनिमम 4 मीटर पर सेकंड हवा चाहिए, बहुत ही स्लो वो हवा चलती है, उसमें वो कवर हो जाता है। लेकिन हनोई में कुछ एरिया ऐसे हैं, इसीलिए वहाँ पर सिटीज सेलेक्ट की जा रही हैं, और वहाँ पर एरिया चेक किया जा रहा है, और बहुत बड़ी जब बिल्डिंग बनती है तो ज़मीन को भी चेक किया जाता है कि वहाँ पर उस बिल्डिंग का भार वो उठा सकती है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर गिर गया या बिल्डिंग नीचे धस गई, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं। दोस्तों काम चल रहा है, वीटर प्रोजेक्ट एक रियल और जेन्युइन प्रोजेक्ट है। दोस्तों मैं अभी वीटर कंपनी के दुबई के हेड ऑफिस में ही हूँ, और यहाँ से ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने वीटर की कंपनी की वियतनाम में क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, उसकी जानकारी ली, और उसके बाद ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप सभी के सवालों के जवाब दे रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि किसी भी लीडर की जिम्मेदारी बनती है, जब वो किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करता है या किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देता है, तो उसके बारे में रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन दे। 21 मार्च को मुझे 2 साल हो जाएंगे वीटर कंपनी में, और 2 साल से मैं रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और इसी तरह लेकर आता रहूँगा दोस्तों। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वियतनाम का टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है अभी, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। जब पहला प्रोजेक्ट बनेगा तभी दुनिया को पता लगेगा कि वीटर प्रोजेक्ट क्या है, और पहला प्रोजेक्ट बनने के बाद ही हमारा डिविडेंड स्टार्ट होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं किया है, और आपको ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लग रही है, और आप इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको रेफर लिंक मिलेगा। रेफर लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप विक्टर या गोल्ड के ऊपर क्लिक करें, विक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, 500 शेयर आपको फ्री मिलेंगे। उसके बाद आप गोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पर फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप 500 शेयर आपको गोल्ड के फ्री मिलेंगे। उसके बाद आप इन कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट आप यहां पर करें दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको वीटर कंपनी की मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।